हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, सुबह के बजे हुए हैं 9, और 9 बज चुके हैं तो खाना बनाने का भी टाइम शुरू हो गया। आज हम खाने में बनाएंगे पालक और बथुआ और चना मिला के इसका साग बनाएंगे। पहले सबसे पहले तो हम इसे छा रही हैं, इसमें से अच्छा अच्छा निकाल रही हैं, और दहनी है जय यो कुबार ये अलग निकाल देंगे। ये छाया हुआ पालक है हमारा, ये बथुआ, ये तो घास है। हाँ, हरा धनिया लेकर आए। आ रही है, इधर आ जा बेटा, इधर साइड में पेड़ा ले रही। आ रही है कहीं का पेड़ा ले रही। पेड़ा ले लूंगा पेड़ा। हाँ, बड़ा पेड़ा ले रही। आ रही है तो धनिया का, नहीं धनिया का पेड़ा है। क्या चाहिए? मैं बहुत सारे धनिया उस जगह मम्मी होने रहती। ले ले, जोन सा ले। वो देखिए हमारे साथ में बच्चे भी लग गए हैं, इनसे खेल लो। देखिए देख जो क्या है, ये मेरा। लड्डू सो रहा क्या? लड्डू दोबारा सो गया? मम्मी मुझे पिच्चा कर रहा है। आजा बीच में, आजा बीच में। ए नहीं, पिच्चा मत मारो। अरे तीनों लाइन से खड़े हो जाओ, ठीक है? वाओ, क्या मिला आर्या को? पेड़ा धनिया का। एक धनिया गई ले वो बैठी, पालक का भी ले ले। पालक का दे दो। ये है देखना बड़ा पेड़ा। एक खेल मिल गया तुम्हें तो। देख दो बेटा, बस ईद का सब्जी तो बनाओगे ना? खाना नहीं खाओगे? ले ले ले, बस अब सब्जी बनाऊंगे। अरे साग बनाऊंगी, साग। अच्छा ले ले, सही। खेलना शुरू कर दिया ना बेटा। इनकी तो वो बनाओगे, मिस्टी तू भी रख दे, बस पालक पालक ले लो। वो देखिए, ये मैंने छा लिया था, मैंने और रितु ने मिलके। अब इसकी करती हूँ कटिंग, फिर हम इसे चूल्हे पे उबालना रखेंगे। ये है दाथड़ा, और ऐसे ही करके मैं ये सारा पालक काट लूंगी। अभी लंच है बस बेटा, यो कर लू। और देखिए मैं ऊपर आई हूँ, चूल्हे में जीना लगाऊंगी, आग जलाऊंगी, फिर मैं उसके रखूंगी साग उबलना, क्योंकि कटिंग करके मैंने नीचे से ही ले आई हूँ। देखिए मैंने जीना लगा दिया है, अब इसमें आग जलाऊंगी। और ये पतीली है जो मैं पहले से ही साग काट के लाई हूँ नीचे से, ये रख दूंगी मैं इसके ऊपर। और नीचे अभी चाय के बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले खाने की तैयारी करते हैं, फिर चाय के बर्तन कर लेते हैं, साथ साथ सब्जी काट के रख के। देखिए जीने, आग हमारी जल चुकी है, और ये तो नीचे है, नीचे के काम निपटा रही है। अब मैं इस पे चूल्हे पे रख के साग उबलना, तो मैं भी नीचे जाऊंगी और उसके साथ में चाय के बर्तन साफ करा दूंगी,
आज है बृहस्पतिवार तो हम आज कपड़े नहीं धोएंगे, बस झाड़ू पोछा और खाना ही है। खाना मैं बना दूंगी और झाड़ू पोछा नीतू कर देगी। अरे वो तो होगा, पर पानी कहाँ, पानी कहाँ रख के था। अरे यार क्या है तो मुझे बता देते, हम कह तो रहे थे रखे हैं, मैंने कह दिया तो हम भी तो पूछे थे क्या लगा नावा का मैं कहाँ। हाँ तो नीचे ही ले ले, वो नीचे गैस के चूल्हे पर रख रख पतीली में। मैं इतनी देर तक टाइम नहीं तो काट रहा, मगर ले होगा होगा ये धुआं देख कर तुम्हें पता, तू कह रहा मैं कहाँ हो लिया पानी। चलो हाँ तो नहा लिए, नीचे रखा पानी वो ले ले। दूरो देखिए अब हमारा साग उबल चुका है, मम्मी उसे घम रही है हंडी में। जो पानी दूसरे में बाकी है इसमें करेंगे और इसे पकाऊंगी। पकने के बाद तब हमारा साग बन के तैयार हो जाएगा। अभी बस इसमें अल्लन लगाया है, इसमें इसलिए नहीं पका रही क्योंकि इसे फूटने का डर रहता है और किसी को डर हो और देखिए अब मम्मी बना रही है मक्की की रोटी, पापा खाना खा के चले गए हैं और हमारा साग भी बन के तैयार हो चुका है। देखिए पक्के भी तैयार हो चुका है, अब इसमें लगाऊंगी तड़का। अब उसकी तैयारी मैंने देखिए आज फ्राई पैन में किस तरह छोंकूंगी, कैसे छोंकूंगी। इसमें मैंने प्याज और मेथी और अदरक डाला हुआ है। और इधर देखिए रवि भी खाना खाने के लिए ऊपर छत पे आया है, खड़ा खड़ा बैठ के खा ले। अच्छा सर्दी में बैठन जाता ना के अभी ऊपर आया, हल्की हल्की धूप निकली हुई है,
और मम्मी पापा के बर्तन रखे, पापा खाना खा के चले गए। मक्की की रोटी सिर्फ मम्मी पर ही आती है बनानी। क्योंकि ये थोड़े थोड़े आटे की बनती है, एक दो आटे ऐसे गूंद गूंद के ही बनाते हैं, क्योंकि सारा ही खट्टा आटा नहीं गूंदता इसका, और वो हम पे किसी पे भी नहीं आता, बस मम्मी ही बना पाती है। वो देखिए हमारा छोंक भी भुन चुका है, अब लगाती हूँ उसमें तड़का। ढकते